जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। 10 लाख रुपए की वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए द्वारका पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। द्वारका जिला पुलिस के साइबर थाना टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने एक महिला दुकानदार को सेना की गाड़ी की बैटरी बेचने के नाम पर 10,96,855 रुपए की ठगी की थी। द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार द्वारका सेक्टर 23 की रहने वाली रश्मि बेनीवाल ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें अज्ञात नंबरों से सेना की जीप की बैटरी खरीदने के लिए कॉल आए। कॉल करने वाले ने खुद को सेना का अधिकारी बताया और बैटरी खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने का झांसा दिया। फर्जी लेनदेन के जरिए आरोपियों ने रश्मि बेनीवाल के खाते से 10,96,855 रुपए की रकम हड़प कर ली। साइबर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की छानबीन की गई। तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस को बिहार के पटना में रहने वाले उत्तम सागर गुप्ता नाम के शख्स के संलिप्त होने का पता चला। द्वारका जिला पुलिस की एक टीम ने 8 जुलाई को पटना में छापेमारी कर उत्तम सागर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपना बैंक खाता किसी और को बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से चेकबुक और पासबुक बरामद कर ली है, जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया था। उत्तम सागर गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद देश भर के 7 अन्य साइबर धोखाधड़ी मामलों का भी खुलासा हुआ है। इस मामले को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज किया गया था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।